सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं नीतीश भाई के यहाँ, और नीतीश भाई खड़े हैं यहाँ पे। और गुड मॉर्निंग नीतीश भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया, रिकॉर्डिंग ऑन है। बस और कुछ बोलना चाहते हैं लोगों को? बोलना चाहते हैं बस व्लॉग में बने रहिए, क्योंकि भाई को आज टेलको घुमाने वाला हूँ। ज़रूर, चलिए काफ़ी मज़ा आने वाला है। आज हम लोग पूरा टेलको घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे क्या क्या होने वाला है, पूरा सबके साथ तबाही मचाएंगे। सो वीडियो पे बने रहना। सो गाइस अभी नीतीश भाई वीडियो शूट कर रहे हैं अपने फ़ोन से अल्ट्रा वाइड पे, और हम लोग बैक से जाते हैं। हाय गाइस कैसे हो? यहाँ भी रिकॉर्ड हो रहा है, वहाँ भी रिकॉर्ड हो रहा है, दोनों फुटेज को साथ में अटैच कर दीजिएगा भाई। हाँ भाई, जरूर। फिर पब्लिक भी जान सके कि हम लोग किस तरह से शूट करते हैं। देख सकते हो यार, आप लोग के लिए मोटोलॉगिंग सेटअप आज रेडी किया है इतना टाइम के बाद मैंने, और नीतीश भाई आज नॉर्मल आप लोग के साथ ब्लॉग करेंगे, बात करेंगे। तो गाइस यार अभी हम लोग नीतीश भाई के यहाँ से निकल चुके हैं, और भाई भी आ रहे हैं अपने बाइक से। बाकी ये है टेल्को का कुछ नज़रिया, मतलब नीतीश भाई के घर के पास का है। और यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, जो कि है स्पीड ब्रेकर्स। ठीक है, मैं यहाँ पे अक्सर जब भी आता हूँ तो स्पीड ब्रेकर्स से कुदा देता हूँ, तो यार पूरा हालत ख़राब हो जाता है मेरा प्लस गाड़ी का। बाकी यार आप वीडियो में बने रहो, ये तो कुछ था रास्ता, बाकी तो अभी पूरा रास्ता कवर करना बाकी है। सो जो भी कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने लायक चीज़ होगी वो ज़रूर से आपको दिखाएंगे। बाकी ये है यहाँ का मार्केट एरिया, सो से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये प्लाजा है, प्लाजा बाज़ार कहते हैं। और अभी हम लोग घोड़ा बांधा होके जाने वाले हैं गाइस, घोड़ा बांधा ही बोलते हैं शायद से, मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। बाकी देखते हैं, और कुछ देखने लायक अगर चीज़ होगी तो ज़रूर से आपको दिखाऊँगा। बाकी यार आप वीडियो में बने रहना। अभी हम लोग कर रहे हैं ट्रिप मीटर को ज़ीरो, तो हम लोग ट्रिप मीटर बी को करते हैं ज़ीरो। तो ये हो गया है। ये हम लोग क्यों ज़ीरो किए हैं, क्योंकि सामने जो रोड देख रहे हो नीतीश भाई, इसको ट्रैक बोलते हैं। ट्रैक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पहला तो लोगों का आना जाना बहुत ही ज़्यादा कम है। जो सामने एक आज जन दिख रहे हैं वो मॉर्निंग में दिख रहे हैं, जो अपने ड्यूटीज़ के लिए निकलते हैं। बाकी ये एक टाइप से हाईवे है जो खाली है, ठीक है। सो यहाँ पे आप मतलब नीतीश भाई लोग यहाँ पे टेस्टिंग करते रहते हैं, मतलब टॉप स्पीड हो गया, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर हो गया। सो वही देखना था कि इसका डिस्टेंस कितना है ये जो ट्रैक का है, और मुझे लगा था कि एक नैरो सा ट्रैक होगा, बट यार ये ट्रैक बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। बाकी यार आप वीडियो पे बने रहना। सो गाइस यार हम लोग को यहाँ से टर्न लेना है, और कुछ ऑफ रोड आने वाला है। बाप रे बाप, देख सकते हो गाइस ऑफ रोड कहाँ लेना भाई, राइट लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। तो हम लोग अभी कोई शायद से जो है विलेज एरिया जैसा कोई एरिया है वहाँ से पार करने वाले हैं जहाँ तक लग रहा है। बाकी डेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार। सो देख सकते हैं यहाँ बैम्बू के ट्रीज है। बाकी रास्ते देखो यार, कच्चे कच्चे रास्ते, एकदम दलमा का याद आ रहा है यार एकदम से। सो गाइस अभी टोटल पूरा ऑफ रोडिंग हो रहा है, जैसे कि देख सकते हो यार यहाँ पे लगता है कि ट्रैक्टर चलता है। तो हम लोग को पता नहीं नीतीश भाई कहाँ ले आए, बट जहाँ भी ले आए बहुत ज़्यादा खूबसूरत और मज़ेदार प्लेस है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख सक रहे हो। बाकी काफ़ी ज़्यादा शेकी भी है अच्छा या या या। So guys, जिंदगी में पहली बार कभी कुछ ऐसा किया है, पता नहीं किस पाप का सज़ा मिल रहा है मुझे। बाप रे बाप, कितना एक्सट्रीम रोड है गाइस। पैर बचाइए आप, लग जाएगा नहीं तो। ओए फुटपैक्स बंद नहीं किए? ओ बाप रे बाप गाइस, आपने देखा अभी क्या हुआ। बाप रे बाप, ये आलीशान पेड़, आलीशान नहीं खूफनाक पेड़ है, वही वाला है इसका बनाए थे हम। वाओ, सच ए ह्यूज ट्री एंड मोस्ट डेंजरस ट्री एवर सीन इन माय लाइफ। गाइस इतना इतना मेहनत कर रहे गाइस आपके लिए, थोड़ा सा अपना भी प्यार दिखा देना। बाकी देख सकते हो जंगल झाड़ी कहाँ से निकल रही है, हमारा एडवेंचर ब्लॉग हो गया है आज का टेल्को में। भाई इस जगह को क्या बोलते हैं? इस जगह को बोलते हैं लुआबासा एरिया है। लुआबासा एरिया, वाओ 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 मैन, कितना खूबसूरत चट्टाने वगैरह। इससे आगे जाएगी गाड़ी? नहीं नहीं नहीं, बस साइड कर दे।
तो गाइस ये देखो कुछ व्यू ऐसा है, और आपसे मिलते हैं डायरेक्टली अब हम लोग कैमरा पे। सो गाइस ये नॉर्मल सा एक जगह है, नहीं क्या बोल रहे, सॉरी कट गलती हो गया। सो गाइस हम लोग इस जगह पहुंच चुके हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे नेचुरली जो है छोटा छोटा पॉन्ड या फिर एक्वेरियम कह सकते हो। देखो जैसे मानते हैं पानी में बहुत ज़्यादा काई है, गंदगी है, बट यार ये चीज़ देखो, ये मतलब एकदम नेचुरल सेटअप लग रहा है माउंटेन वाला। वही मतलब समझिए कि पॉन्ड है, अपने घर पे होता तो काफ़ी अच्छा रहता है। हाँ कुछ गोल्डफिश लेकर छोड़ देते हैं। हाँ बहुत अच्छा, खूबसूरत है, ऑरेंज ऑरेंज गोल्डफिश। हाँ बहुत अच्छा है, बस पानी में थोड़ा सा काई है, बट वो लोग को चल जाता है। नेचुरल पॉन्ड है, मतलब उन्हीं के लिए स्पेशली बना है, और इंसान लोग के लिए पूरा बाथटब है। आराम से इंसान आ जाएगा, बस पानी थोड़ा सा ये जो है ना गंदा है इसलिए, बट ये पानी गंदा नहीं है, इसमें काई लगा हुआ है। बाकी तो अगर एक चीज़ बता सकते हैं कि ये जो है ये रिवर का पानी है, रेन वाटर नहीं है, बस ये जमा हुआ है, इसी कारण थोड़ा सा हो सकता है कि पानी में कुछ गंदगी हो। खैर आगे बढ़ते हैं, बाकी अलग अलग है, जैसे यहाँ पे है फिर वहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि वो जो है वो फ्रॉग के लिए, मतलब मेंढक, उसके लिए बड़ी सही है मतलब हो जाएगा। बाकी ये पूरा रिवर है, मतलब रिवर एरिया है पूरा। अच्छा पूरा रिवर है, ये जो रिवर है स्वर्णरेखा रिवर है। स्वर्णरेखा रिवर, अच्छा मानगो में जो कनेक्ट होता है। हाँ, वही इधर से कनेक्ट होता है। अच्छा तो जैसे मतलब रिवर का मतलब पानी यहाँ तक आ गया, मतलब ये यहीं तक पूरा रिवर है कि पूरा वहाँ तक, मतलब पूरा वहाँ तक, देखिए वो रिवर आगे तक। अच्छा मतलब हम लोग वहाँ तक जाने वाले हैं, जब रिवर पूरा भर जाता है तब यहाँ तक पानी आता है। अच्छा तो रिवर चलते रहता है उधर, वो जो रिवर आगे पानी चमक रहा है। अच्छा मतलब मरीन ड्राइव में कनेक्ट होता है। हाँ मतलब दो मुहानी, आप यहाँ पानी में बैठिएगा। हाँ वहाँ फ्री है, मतलब बोलते ना क्रूज का मजा ले लेगा आदमी लोग। अभी नहीं दिखेगा वीडियो में, कैप्चर नहीं हो क्योंकि काफी फॉग है, वहाँ पर रिवर है, आगे चल के दिखाते हैं। चलिए हाँ कैमरा तो जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, बट हम लोग रियल लाइफ में जो देख रहे हैं वो है, बाकी ऑडियंस को तो दिखाना ही है क्योंकि अपना आंख कैमरा से कहीं ज्यादा है। हाँ बस 8K अल्ट्रा HD, ठीक है चलिए आगे चलते हैं। ठीक है आगे चलते हैं। यार यहाँ पे हम लोग को देखा ये कुछ प्लांट, ये प्लांट कुछ जाना पहचाना सा अजीब सा लगता है देखने में। ऐसा लग रहा है कि ये पालक है, बट यार बहुत खूबसूरत है यार, कुदरत का करिश्मा कहते हैं इसे। बाकी हम लोग काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं, और यहाँ पे पानी बढ़ते जा रहा है, और आगे देखते हैं कितना पानी बढ़ेगा। ज़्यादा हम लोग पानी में नहीं जाएंगे, मतलब पानी में मतलब ज़्यादा जाना ही नहीं है, खाली शॉट्स लेना है थोड़ा बहुत, और फिर घर चलना है। सो गाइज यार अभी हम लोग जो है व्लॉग एंड करते हैं, बहुत टाइम हम लोग ने स्पेंड किया साथ में नीतीश भाई ने, ठीक है। सो मिलते हैं फिर आपसे ऐसे किसी ब्रांड न्यू फ्रेश व्लॉग के साथ। टिल देन बी सेफ, राइट सेफ एंड गुड बाय।